अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस। और डिस्कशन जाहिर सी बात है, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हैपनिंग है, नॉट ऑन द फील्ड बट ऑफ द फील्ड, दैट इज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या अपडेट है, क्या हो रहा है। कल जो लाहौर हाईकोर्ट की समाअत हुई उसके हवाले से हमने आप लोगों को अपडेट ज़रूर किया था, बट अभी भी वो सिलसिला जारी है। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। गेस्ट क्या, ये हमारी टीम का हिस्सा है, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। सो उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी, श्रीलंकन टेस्ट के हवाले से भी, टीम क्या एक्सपेक्ट करें हम टीम से, क्या परफॉर्मेंसेज। ऑब्वियसली एशिया कप इज़ राइट एट द कॉर्नर, वर्ल्ड कप इज़ राइट एट द कॉर्नर। सो ये सारी डिस्कशन आज होने वाली है लाला के साथ। एंड देन नॉट टू फॉरगेट हैशटैग आस्क लाला, आज आपके सवालों के जवाब देंगे शाहिद खान आफरीदी इस प्लेटफॉर्म पे। सो मेक श्योर यू आर ट्वीटिंग अस, यू आर मैसेजिंग अस, हैशटैग आस्क लाला लगाना नहीं भूलिएगा, वरना फिर आपका सवाल कहीं खो जाएगा। सो लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। खैरियत से, ठीक ठाक लग रहा है, तबीयत खराब है आपकी? मौसम ऐसा है लाला, मतलब कराची में वो तूफान क्या, ना बूंद आई ना बारिश आई, सिर्फ गर्मी आई। हम भी बारिश का इंतजार हकीकत में भी कर रहा था, लेकिन कहीं कहीं मैं, मुझे डर था कि वो वाली बारिश ना हो जो लास्ट ईयर हो, क्योंकि मैं तो जहाँ रहता हूँ वो पूरा खुदा हुआ है। आप तो, और आप तो करीब है बिल्कुल समंदर, बिल्कुल समंदर के करीब और खुदा हुआ है पूरा शहर आपका, वो इलाका सारा खुदा। अगर बारिश हो गई है ना तो फिर हमें बोट चलानी पड़ेगी, पर मैं यहाँ पे बोट में आऊंगा बिल्कुल, तो फिर कश्तियाँ चलती। मगर जो गर्मी का हाल हुआ है, मेरा ख्याल से इस वक्त 80% ऑफ कराची जो है वो बीमार है, बहुत सख्त, बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई, वायरस फैला हुआ है, तो बस सब अपना ख्याल रखें जी। पर जहाँ ये हम इस बीमारी की बात करें लाला, वो उस बीमारी की क्या बात करें जहाँ पे खींचातानी चल रही है कुर्सियों की, और ऐसी खींचातानी चल रही है कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजाक बना के रख दिया। हमने पहले भी पास्ट में इस बारे में बात की थी, आपसे कमेंट भी लिया था उस हवाले से, बट अब जो है वो बात आ गई है कोर्ट्स तक। और हम जब कोर्ट्स की बात करते हैं तो ये कोई फख्र की बात नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लड़ाई जो है वो अब अदालतों में होगी, अदालतों में लड़ाई होगी, बाहर दुनिया में मैसेज जाएगा कि हमारे क्रिकेट बोर्ड का ये हाल है। तो आई मीन कि सवेरे वही इस बात को फिर हमें दोबारा रिपीट करना पड़ेगा कि देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान की इज्जत से जुड़ी हुई होती हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्रिकेटर्स की वजह से, क्रिकेट बोर्ड की वजह से क्रिकेटर्स नहीं है, क्रिकेटर्स की वजह से क्रिकेट बोर्ड है। तो थोड़ा सा इज्जतों का ख्याल रखा जाए ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये है कि जो हम, मैं और आप बात करते रहे हैं पहले, कि जब तक सिस्टम नहीं होगा किसी भी चीज़ का, या अगर सिस्टम है उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो ये इस तरह की रिजल्ट ही आएंगे। ना मैं खुद हुकूमत करूँगा, ना काम करूँगा, ना दूसरे को करने दूंगा। यहाँ पे तो उस थ्योरी पे काम कर रहे हैं हम लोग। सवेरा वही वाली बात है, चेहरे बदलते रहे, चेहरे बदलते हैं दुनिया में, हर जगह बदलते हैं, सिस्टम कभी नहीं बदलता। तो मेरे ख्याल में ये तो इस मसले को आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटलमेंट हो सकती है तो बहुत अच्छा है, इज्जत की बात है सबके लिए। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि हम सियासत जो है वो हमारी मस्जिदों में भी सियासतें आ गई हैं, प्लीज़ क्रिकेट बोर्ड से सियासत को दूर रखें। कोई भी वज़ीर आज़म हो उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, पैटर्न एंड चीफ जो ताल्लुक है ठीक है, बल्कि मियाँ, मैं तो खुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा कि आप अपना नाम खुद ही हटाएँ, ये सिस्टम ही चेंज कर दें, एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दें आप, थ्रू प्रॉपर इलेक्शन जो बोर्ड होगा उसके थ्रू चेयरमैन अनाउंस होना चाहिए। तो मियाँ साहब प्लीज़ अगर आप इसके हवाले से कर सके तो ये बहुत बड़ा काम कर जाएंगे आप। बिल्कुल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक चेंज आ जाए कि नहीं जी पेट्रन इन चीफ प्राइम मिनिस्टर को नहीं होना। बिल्कुल, एक जिस तरह चलता है, जिस तरह इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह बोर्ड ऑफ गवर्नर सिलेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। बट पॉइंट यही है कि हम सबको पता है एवरी टाइम द चेयरमैन इज नॉट एक्चुअली इलेक्टेड, इट इज अ सिलेक्टेड चेयरमैन। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसी वजह से ये मसला आता मुसलसल आ रहा है। सवेरे दूसरा ये कि अभी क्योंकि अभी चेयरमैन बन रहे हैं, खींचातानी चल रही है, मुझे हैरत होती है कि जिनका शो है वो लोग किधर हैं, क्रिकेटर्स कहाँ हैं इसके अंदर, है ना क्रिकेटर्स उड़ के लाहौर आ रहे हैं। पॉलिसीज बननी चाहिए सवेरा, पूरी पॉलिसी सिस्टम के अंदर क्रिकेटर्स का रोल किधर है, नहीं है ही नहीं, होना चाहिए। ज्यादा ज्यादा मुश्किल से सिलेक्शन कमेटी के अंदर आ जाते हैं यार। आप जो पॉलिसी जो सिस्टम बनता है उनके अंदर आप क्रिकेटर्स को रखें जिन्हें आप समझते हैं कि यार ये इनके आने से, अभी जैसे मैं देखूं राशिद लतीफ की बात करूं, राशिद भाई की बात करूं, डिफरेंट चैनल्स पे बैठते हैं, काफी अरसे से क्रिकेट खेली, काफी क्रिकेट खेली और काफी उनको अवेयरनेस है। इसी तरह मिसबा ने अगर लड़कों में देखा जाए, वसीम भाई हो गए, इस तरह कोई भी ऐसे जो एक्स वाई जेड है, मुशी भाई, इंजी भाई, ये लोग हैं, इनको बिठाएं, एक
पॉलिसी बनाए, एक अच्छा सा सिस्टम बनाए और उसको फॉलो करें। क्रिकेटर्स का होना जरूरी है, शो ही क्रिकेटर्स का ही है। लाला आपको याद होगा राशिद लतीफ ने तो बिल्कुल एज पे थे, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट छप भी गया था, साइन करना था, बट एक क्लॉज था जिस पे शायद वो भी अटक गए थे, बोर्ड भी अटक गया था। उन्होंने कहा था मुझे फुल अथॉरिटी चाहिए, मुझे कोई बीच में कमांड नहीं करेगा, और ऐसा हो नहीं सकता पाकिस्तान, ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है। हाँ होता नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मैं राशिद लतीफ या किसी भी एक्स वाई जेड बड़े नाम को लेके आता हूँ तो मैं यार उसके उसके उसको कुछ समझ के लेके आया हूँ ना मैं, तो उसको मैं जिम्मेदारियां दूं। हाँ आखिर में पूछूंगा मैं उसी बंदे से, फिर उसके एक्सक्यूजेस मुझे समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप जब किसी को बुलाते हो तो उसको पूरी अथॉरिटी देते हो। जो मैं हमेशा पावर शेयरिंग की बात करता हूँ वो यही है कि आप किसी को जिम्मेदारी देते हो तो उसको काम खुल के काम करने दो, उछल देना। आपने उस छोटे से टाइम फ्रेम में जो काम किया, आपके ऊपर कितनी इंटरवेंशन थी, इंटरवेंशन कोई किसी को? मेरे ऊपर जब आने लगी तो मैंने साइड पकड़ लिया exactly और मैंने साथ नहीं काम नहीं किया। ठीक है ना, लेकिन जब आपने देखे या तो आप वही वाली बात है, या तो आप सियासत कर लो या काम कर लो। एग्जैक्टली exactly. ठीक है ना, अगर काम करना है फिर काम वाले लोगों को अपने साथ जोड़े। ठीक है, ताकि काम कर सके, तो हम काम करेंगे तो ऊपर वाले स्ट्रांग होंगे, बात यही है। तो आप अपने साथ अच्छी टीम लेके आए, अच्छी टीम, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आपका जो लीडर होता है वो काम नहीं करता, वो ख्वाब देखता है, विजन देखता है और वो काम करवाता है, वो काम कराता है, आपकी टीम काम करती है, लीडर काम नहीं करता। बिल्कुल, लीडर एक एग्जाम्पल सेट करके देता है कि भाई अथॉरिटी देता है, अपनी एक ऐसी टीम बना के देता है कि भाई चलो जिम्मेदारियां देता है हर एक बंदे को, वो काम करके देते हैं आपको। तो आपको ऐसी स्ट्रीम में चाहिए, हमें ऐसे प्रोफेशनल टेक्निकल लोग चाहिए हमारे दायरे में, होने चाहिए पीसीबी में। बट लाला कुछ क्रिकेटर्स हैं जो हमें ओवर द पीरियड ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो हमें एक्टिव अब दिख रहे हैं, जब से ये बहस मोबाइल से शुरू हुआ, मुठभेड़ शुरू हुई, सेठी साहब गए, जकाशफ साहब का नाम जो है बहुत फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो गया कि वो चेयरमैन बनेंगे। तो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट कमेटी पर केस भी दायर कर दिया क्योंकि वो शायद जकाशरफ के बिहाफ पे वो कर रहे थे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी तो पार्टी नहीं बनना चाहिए ना? नहीं, पार्टी किसी को नहीं बनना चाहिए, क्रिकेटर्स को तो खासतौर पर नहीं बनना चाहिए। जो फेयर बात हो वो बात करनी चाहिए। देखें सवेरा, मैं ये समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो आने चाहिए, बोर्ड की तरफ आना चाहिए, उनका होना चाहिए, मेरे ख्याल में काम लेना चाहिए। आज अगर स्क्वाश का, हमारी स्क्वाश जो है आज अगर उसका ये हाल हो गया, जबकि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, जहांगीर खान एक यूनिवर्सिटी का नाम है, तो आज हमारी स्क्वाश पहुंची किधर है? क्योंकि हमने उस बंदे को ऑन बोर्ड नहीं लिया। आप ये पूरी स्क्वाश की जिम्मेदारी जहांगीर खान को देखो, पता नहीं कितने प्लेयर निकल आ जाएंगे। तो इसी तरह क्रिकेटर्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, आप लेके आए, आप लेके जो भी चेयरमैन आता है, आप उस चेयरमैन का ये काम है कि जितने एक्स क्रिकेटर्स पुराने क्रिकेटर्स हैं जो दिमाग रखते हैं, जो सोच, जिनका जो काफी क्रिकेट खेले, एक्सपीरियंस लोग हैं, बिठाएं अपने साथ, बिठाएं काम करें, उससे कोई वो कमजोर नहीं हो जाएगा बल्कि वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा चेयरमैन। बट लाला आगे अगर हम बढ़ते हैं और बात करते हैं, हमारे जो अभी करंट क्रिकेटर्स हैं दे आर बिजी, आज से कैंप शुरू हो गया है, श्रीलंका टूर करना है, गर्मी 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 बहुत शदीद गर्मी है, और 8 जुलाई को जो है टीम ट्रैवल कर जाएगी श्रीलंका के लिए। बट ये जो कैंप है इसके बाद से हम 8 महीने लगातार रिग्रस क्रिकेट खेल रहे होंगे। जैसे अगर मैं जुलाई में बात करूं तो 2 टेस्ट हमने खेलने श्रीलंका के अगेंस्ट, अगस्त में अभी तक उसका स्केड्यूल नहीं आया, बट 3 ओडीआईज हैं जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने खेले, अभी फाइनल नहीं हुआ कुछ भी उसके। सितंबर में हम पूरा एशिया कप खेलेंगे, उसके बाद अक्टूबर नवंबर वर्ल्ड कप हो गया, उसके बाद दिसंबर जनवरी जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर है जहाँ पे हमने 3 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, उसके बाद फिर जनवरी में जो है वो न्यूजीलैंड के साथ T20s खेलने हैं। जाएंगे ये नहीं, मेरे ख्याल से वापस आएंगे, वापस आके हाँ, मोस्ट प्रोबेबली शायद वापसी है या साथ ही होगा, अभी वो स्केड्यूल उसका फिक्स होना है कि क्या होगा। एंड देन फेब्रुअरी में PSL, इट इज लाइक 8 मंथ्स ऑफ रिग्रस क्रिकेट। अब हमारे लड़कों को रेस्ट नहीं मिलने वाला, यही वो कैंप है जिस कैंप में जितना वो कहते हैं ना कि अपने पट्टे खोल लें और जितना जो करना है वो कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द टेस्ट मैचेस, क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें हम अपने? वेल कैंप तो जरूरी है। देखें सवेर, अब वो वाला टाइम भी नहीं है कि आपने एक एक महीने का कैंप लगा दिया, ठीक है, कंटिन्यू लड़कों की क्रिकेट हो रही है, अगर अगर नेशनल टीम से बिजी नहीं है तो लीग्स खेल
खेल रहे हैं, डिफरेंट काउंटी सीजन वगैरह खेल रहे हैं, तो लड़के सारे टच में, ये सिर्फ एक टीम को जेल करने के लिए 3-4 दिन दे देते हैं। देखिए जहाँ तक सवेरा, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं और हम सब फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट को और टीम को भी देख रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंसेज, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज अ टीम परफॉर्मेंसेज, माशाल्लाह से किसी भी फॉर्मेट की टीम को उठा के देखें ना तो हमारी अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है हमारा। अगर हो गए तो एक आधा दो लड़कों का फ़र्क होगा, बाकी ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत हमारा अच्छा है। आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि श्रीलंका में इंशाल्लाह हमारे टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। आई नो गर्मी है तो ये 3-4 दिन का जो होगा, 8 तारीख को टीम जारी है, तो आई मीन कि ये जेल करना भी लड़कों को एक ही जगह एक स्टेशन पर ज़रूरी था, और जाएंगे श्रीलंका, अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई नो कि सीज़न काफ़ी लंबा है, जिस तरह आप बता रहे हैं 8 महीने पाकिस्तान टीम प्लेयर्स बिजी रहेंगे, तो अच्छा है, प्लेयर को बिजी रहना भी चाहिए, और साथ में जो हम बात करते थे कि पाकिस्तान की ए टीम भी होनी चाहिए, मतलब 2 टीमें होनी चाहिए, वो मेरा ख्वाब तो खैर पूरा नहीं हो पाया। शाहीन है ना, अभी शाहीन है क्योंकि इमर्जिंग एशिया कप होना है, बिल्कुल शाहीन 11 है, बिल्कुल जो है जिसको अभी बहुत अच्छे से जो बनाया गया, जिम्बाब्वे भी गई थी टीम जो लाहौर में अभी कर रही है, लाहौर में कैंप लगा हुआ है शाहीन का, जो शाहीन कर रहे हैं उसका अच्छा, मोहम्मद हारिस उसको कैप्टन कर रहे हैं उस साइड को। बट यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, अभी अगर मैं स्क्वाड पे नजर डालती हूँ, और बहुत सारे लड़के हैं जिनमें पोटेंशियल है जो इसका हिस्सा बन सकते हैं जिसको, मगर स्क्वाड एक लिमिटेड वही होता है। बट लाला, जब मैं इन सारे लड़कों की बात करती हूँ, इनकी परफॉर्मेंसेस की बात करती हूँ, इनके एक्सपीरियंसेस की बात करती हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि अब हम ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं क्योंकि बहुत अरसे से ये लड़के हमें साथ खेलते हुए दिख रहे हैं? सवेरा, क्योंकि ये लड़के ना काफ़ी अच्छे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी सर्किट में भी एक साथ हैं, फिर पाकिस्तान जो भी सिलेक्शन कमेटी आती है इनकी नज़रों में ये लड़के आते हुए हैं, इसलिए कि परफॉर्मेंस कर दे हुए हैं। तो ये जो शाहीन वाली टीम बनाई, ये बड़ा ज़बरदस्त काम किए हैं इन्होंने कि अगर आपको ऊपर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे बाबर रिजवान या फ़खर या शाहीन की जगह कोई भी प्लेयर हो, तो आपके पास नीचे प्लेयर तैयार बैठा हुआ हो। हम ये ना कहें यार काश बाबर होता या शाहीन होता तो अच्छा हो जाता, तो हमारे पास वो बच्चे तैयार होने चाहिए पीछे। कुछ थोड़ी सी है रिजर्वेशन मगर शाहीन की टीम में, जैसे क्योंकि मेरी बात भी हुई थी, मैंने चीफ सेलेक्टर साहब से भी बात की थी, जानने की कोशिश की थी कि व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू वाज, हमें मोहम्मद वसीम जूनियर शाहीन में खेलते हुए दिख रहे हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर वो खिलाड़ी हैं जो कि तीनों फॉर्मेट से डेब्यू कर चुके हैं पाकिस्तान से, तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान, तो अब हम शाहीन्स को क्या अपनी बेंच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन यंगस्टर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाथवे बनेगा और जो हमारी नेशनल टीम तक पहुंचेंगे, या उन लड़कों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके लिए हम नेशनल टीम में जगह नहीं बना सके तो हमने उनको अब्लाइज करने के लिए शाहीन में डाल दिया? दोनों के लिए, दोनों के लिए होने चाहिए। आपके पास बड़े अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं, डेब्यू करते हैं। अब ये जो शाहीन की आप बात कर रही है ना, अब ये क्या होना चाहिए सवेरा कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई, ठीक है टॉप परफॉर्मर्स जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनमें से शाहीन में आ गए, ठीक है, शाहीन की जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट आपस में मैचेस वगैरह कराएंगे, उसका जो परफॉर्मर होगा और पाकिस्तान टीम को जो जरूरत होगी, तो स्टेज बाय स्टेज जहां में जरूरत होगी उस शाहीन की आप टूर्स भी कराते रहेंगे, इंटरनेशनल टूर्स भी होते रहेंगे, लड़के तैयार भी होते रहेंगे, आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे, जो पाकिस्तान के लिए खेलेगा लड़का अगर वो अच्छा प्लेयर है और परफॉर्म नहीं कर पाया, या कोई सीनियर प्लेयर जिसे थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए और थोड़ा उसको परफॉर्मेंस दोबारा बेहतर करने के लिए, तो आपके पास ए टीम है, ठीक है, तो ये दोनों के लिए, नए के लिए भी और जो खेल रहे हैं उसको दोबारा कमबैक कराना है, परफॉर्मेंसेस करनी है दोबारा, उसकी फॉर्म थोड़ा कोचेस के साथ काम करना है, तो उसके लिए ए टीम बेस्ट है। बट उसके बीच में फिर एक खिलाड़ी बच जाता है, लाला हमने पहले भी बहुत बात की कौन थी, बच रहा है? अब्बास आफरीदी, यहां बिल्कुल ही इज स्टिल इन द रिजर्व्स, शाही वो जो है कहीं दिख नहीं रहे कि वो टीम में जगह बना पाए, और कोई मुझे वैलिड रीजन नहीं मिली कि क्यों अब्बास आफरीदी उस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पा रहे, even after so many performances. Surprising, मेरे लिए भी था जब A टीम शारजा गई थी पाकिस्तान की टीम अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो मैंने तब भी कहा था कि अरशद इकबाल किधर है, ये किधर, अगर PSL की परफॉर्मेंसेस के बेस के ऊपर आपने शारजा टीम भिजवाई है पाकिस्तान की और काफी सीनियर लड़कों को रेस्ट दिया है, तो फिर आबिद क्या नाम इसका अब्बास अफरीदी किधर है, इसके अलावा ये अरशद इकबाल था, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आबिद अली किधर है। Yes. आपका इतना अच्छा टेस्ट प्लेयर अब वो नजर ही नहीं आ रहा, तो माशाल्लाह सेहत भी अच्छी होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली, किधर है वो लड़का? अभी भी मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा प्रिकॉशन उसके लिए ले रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो स्टंट्स डले थे, तो मे बी बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ना ले ले, मेरे ख्याल में आगे रिटायरमेंट आ जाएगी उसकी कोई 19-20 साल की उम्र तो नहीं है, ऑन द एज ऑफ वो के टाइम फ्रेम, तो एज की तो टाइम फ्रेम वही आ गया आबिद का,
कहीं ना कहीं करीब ही आ गया, तो खैर वो हो गया। आपके पास उस्मान सलाउद्दीन जो टॉप परफॉर्मर है, मैं उसके भी नाम लेना चाहूंगा, काफी अरसे से बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहा है उस्मान सलाउद्दीन, तो वो किधर है लड़के जो पाकिस्तान से खेले हुए हैं? हाँ। और आप एक नए लड़के को डाल देते हो, ये एक बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम कहते हैं ठीक है हुरैरा बहुत अच्छा होगा सवेरा, मैं भी कह रहा हूँ हुरैरा बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन प्लेयर का क्या हुआ जो पाकिस्तान का स्टार हमने लगा दिया, उनके गए वो नजर ही नहीं आ रहे। ओ भाई खुदा के लिए, वो इतना अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, आप उस्मान सलाउद्दीन को पहले रखो, हुरैरा बिल्कुल उसके साथ आए, क्यों ना आए वो भी खेले। So, मतलब वो जो पाइपलाइन है उसको हमने प्रॉपर करना करो तो सही, कौन कहाँ किस तरह किस टाइम पे आए, करो तो सही एक प्रोसेस के थ्रू लड़के आने चाहिए। फिर जब मैं क्रिकेट इस सीरीज की बात करती हूँ, श्रीलंका और पाकिस्तान के सीरीज की, लाला एक ये अब हम वी लुक फॉरवर्ड फॉर दिस टेस्ट मैचेस, मगर एक टेस्ट मैच जो है वो वहाँ खेला जा रहा है इंग्लैंड में, एशेज दो टेस्ट मैचेस पूरे हो चुके हैं, पर क्या तगड़ा मुकाबला है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया एक तरफ इंग्लैंड, मतलब लग रहा है कि दो जो है ना वो दो बुल्स आपस में लड़ रहे हैं और सर मार रहे हैं, मतलब जिस तरह की वो कहते हैं ना टेस्ट को रिजिनोवेट कर दिया है, तो क्या एशेज जैसा हम कब पहुंचेंगे उस लेवल पे कि हम एशेज जैसी क्रिकेट खेल सकें? सवेरा 15 लड़कों की टीम उनकी भी होती है हमारी भी होती है, 11 उनके भी उतरते हैं हमारे भी उतरते हैं, सिर्फ माइंड सेट है और तो कुछ नहीं है, उनकी सोच बहुत अलग है, वो हर वो फेलियर से भी बहुत कुछ सीखते हैं और जब जीतते हैं तो वहाँ पे एंड नहीं करते, उसको और बेहतर करने की कोशिश करते, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। उन्होंने जो क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बड़ा मज़ा आया मुझे तो, टेस्ट क्रिकेट मैं नहीं देखता लेकिन वो मैचेस मैं देख रहा था, मैं खुद भी इंग्लैंड में था, मज़ा आ रहा था देखने में, और क्या बॉडी लैंग्वेज की थी, क्या तगड़े तरीके से वो खेल रहे थे, बाउंसरें भी हो रही थी उन्हें, आउट भी हो रहे थे, अच्छा मुझे हैरत भी हो रही थी कि ऑस्ट्रेलियन बाउंसर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल क्रिकेट अगर देखी जाए, अब आप उसका डिसीजन चेक कर लें, उसको खैर थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, दलेरी वाला जो बेन स्टोक ने पहले इनिंग के अंदर 380 रन थे मेरे ख्याल में टीम डिक्लेयर कर दी पहले ही दिन, यस ठीक है ना, वो डिसीजन था अच्छा, वो अब काफी क्रिटिसिज्म हुआ लेकिन उसने उसको पॉजिटिव लिया, प्रेस में भी उसने जो बात की बड़ी पॉजिटिव बात की, तो और आखिर में दो विकेटों से वो लोग हार गए टेस्ट मैच, तो दोनों मैचेस बड़े जबरदस्त हुए हैं। वही माइंडसेट की बात करूंगा, वो अब गोरे हमारे साथ हैं, कोचेस तो चेंज नहीं हो रहे मेरे ख्याल में, अभी तो जब चेयरमैन का कंफर्म होगा अभी तो बहुत सारे सवाल है। आजकल चेयरमैन की कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है? जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे शाह साहब है, अहमद शहजाद फारूक हमारे इलेक्शन कमिश्नर है। अच्छा। लाला अभी सबसे बड़ा तो सवाल ही यही है कि अभी 17 जुलाई को समात है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, सो उस वक्त फिर अब वो चलेगा केस, क्या डिसीजन होगा, कितनी जल्दी डिसीजन होगा, ऑलमोस्ट एंड ऑफ जुलाई में जो है वो आईसीसी का इजलास है, अगर जब तक डिसीजन नहीं हुआ कौन जाएगा आईसीसी के इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, ये सबसे बड़ा सवाल है निशान, बिकॉज जो 2014 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन आई थी बड़ी खामोशी से, क्योंकि उसमें सीईओ की पोस्ट नहीं थी, तो बड़ी खामोशी से हमारे सीईओ जो फैसल हसनैन साहब हैं वो किसी और पोजीशन पर उनको ले आए हैं, उनकी डेजिग्नेशन चेंज कर दी और वो बस वो वही उसी ऑफिस में है, तख्ती बदल दी है, बाहर नाम वही है, वो तख्ती बदल दी है, सो कौन जाएगा, क्या हमारे सीईओ जाएंगे सलमान नसीर साहब, बिकॉज हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको तो अभी पता ही नहीं है कुछ भी ना कि क्या हो रहा है, क्या सराउंडिंग, इन चीज़ों को गवर्नमेंट को खास तौर पे देखना चाहिए, प्रायोरिटी के ऊपर इस चीज़ को रखे, पाकिस्तान की इज्जत की बात है, चेयरमैन पीसीबी के साथ हम इलेक्शन और आगे पीछे चीज़ें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो बड़े हैं जो हर चीज़ में देखभाल कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग कि इसको प्रायोरिटी के ऊपर रखें और इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, जो भी इसका रिजल्ट है जल्द से जल्द होना चाहिए, मतलब इस ईगो की वॉर को खत्म करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट का ही नुकसान होगा ना, हमने हॉकी में देखा, हमने फुटबॉल में देखा, पैरेलल बॉडीज बनी, उसकी वजह से लड़ाई हुई, उसकी वजह से, हाँ ठीक है आईसीसी फीफा जितना शायद स्ट्रांग नहीं है कि वो बैन लगा देगा, मगर कहीं ना कहीं सवेरे देखो क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा, क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा क्योंकि क्रिकेट को हमारे क्रिकेटर्स ने बचाया है, उसको क्रिकेटर्स हमारे पास ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दुनिया में इज्जत है, मुल्क की इज्जत की बात होती है, जब ये मैसेज बाहर की दुनिया में जाता है कि क्रिकेट बोर्ड इस तरह कर रहा है, ये हालात है उनके, मजाक बनता है, फिर वो मजाक बन जाता है, बाकी इंशाल्लाह क्रिकेटर्स को कुछ नहीं होगा। अच्छा लाला एशेज की और बात करेंगे, बट बिफोर दैट जो हम पाकिस्तान स्क्वाड की बात कर रहे थे, जो इस वक्त जो है वो नेशनल स्टेडियम की गर्मी में कैंप में जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो हमारे कोरेस्पोंडेंट हुज़ैफ़ा जो है वो वहाँ गए थे और उनके पास क्या खबर है जानते हैं हुज़ैफ़ा से।
के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम का जो है वो कैंप आज से कराची में लग गया है और हसन अली और शान मसूद के अलावा तमाम स्क्वाड के प्लेयर्स ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। चार दिन के ये ट्रेनिंग सेशन है, यानी चार दिन तक सेशन जारी रहेगा, 4 से लेकर 7 जुलाई तक, और हर दिन का जो सेशन है उसको 2 सेशंस के अंदर डिवाइड किए गए। यानी पहले जो सुबह वाला सेशन होगा उसमें 3 घंटे तक ट्रेनिंग की जाएगी, फिर बीच में ब्रेक होगा खाने का, और उसके बाद दोपहर में जो है वो ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग दोपहर में इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि श्रीलंका के भी मौसम जो है वो तकरीबन कराची जैसा ही होता है, ह्यूमिडिटी वहाँ पर होती है, तो प्लेयर्स को तैयार करने के लिए इस तरीके की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। मेरे कैमरामैन फरहान इस वक्त आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं, साथ ही आमिर जमाल और नसीम शाह भी यहाँ पर बैटिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तमाम खिलाड़ी जो पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल हैं उन्होंने एक एक करके यहाँ पर नेट सेशन के अंदर हनीफ अहमद हाई परफॉर्मेंस अकेडमी की पहले नेट सेशन किया, फिर उसके बाद जो ओवल का ग्राउंड है, जो सामने वाले ग्राउंड है, वहाँ पर जो है वो स्पिनर्स को खेला। 2 एडिशनल स्पिनर्स को भी इस कैंप में मदऊ किया गया है, जाहिद महमूद और साजिद खान, वो दोनों भी इस कैंप में यहाँ पर आए हैं ताकि स्पिनर्स की बेहतर तैयारी हो सके क्योंकि श्रीलंका में स्पिनर्स का किरदार बहुत अहम होता है। शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रेट अवे इंग्लैंड से आने के बाद उन्होंने कैंप ज्वाइन किया, लंबे स्पेल्स किए, नसीम शाह भी लंबे स्पेल करते हुए नजर आए, आमिर जमाल भी करते हुए नजर आए, सऊद शकील और सरफराज अहमद ने नेट के अंदर बैटिंग की, और मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर बैठे रहे, जो हज से वापस आए, उन्होंने भी आज थोड़ा बहुत सेशन किया, फील्डिंग का भी बैटिंग का भी। तो तमाम तरह खिलाड़ी पहुंच गए, जो रह गए हैं वो कल स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे, और कोशिश यही की जा रही है कि इस हार्श वेदर के अंदर, इस गर्मी के अंदर बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग की जा सके ताकि जब श्रीलंका जाएं तो तैयारी अच्छी हो और नतायज भी अच्छे हैं। जी बिल्कुल, जो गर्मी भरपूर है हुज़ैफ़ा, आप भी जो है वो नींबू पानी वगैरह पीते रहें, और प्लेयर्स को भी जो है यही हम कहेंगे कि नहीं जी, हाइड्रेटेड रहें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। यस, श्रीलंका में भी यही मौसम होगा, बट रिग्रस ट्रेनिंग इज़ गोइंग ऑन एंड टीम पाकिस्तान इज़ गियरिंग फॉर दिस सीरीज़, मगर इस वक्त वी आर गियरिंग फॉर अ ब्रेक। हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। Welcome back to Game Set Match in conversation with Shahid Khan Afridi, और discussion हमारी चल रही है all over जो cricket इस वक्त हो रही है। Ashes से भी हमने बात की, श्रीलंका tour के लिए पाकिस्तान team ने जाना है, उस squad के हवाले से भी बात की, उस पूरे जो हमारा एक pool of players है उन players के हवाले से बात की। But जब हम ये सारी discussion करते हैं तो साथ ही साथ लाला एक discussion और आती है, World Cup qualifier is going on right now, श्रीलंका qualify कर चुका है, जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, मगर साथ ही साथ स्कॉटलैंड वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और अब जिम्बाब्वे स्कॉटलैंड का इस वक्त मैच जारी है, दोनों में से जो जीता, मैं अपडेट देती चलूं कि इस वक्त जो है वो स्कॉटलैंड ने 234 बनाए थे और 235 का टारगेट सेट किया था स्कॉटलैंड जिम्बाब्वे के लिए, एंड 96/5 जिम्बाब्वे ऑलरेडी हो चुका है, विच मीन स्कॉटलैंड के बहुत ब्राइट चांसेस लग रहे हैं, बट आखिरी बॉल तक आप क्रिकेट में जिम्बाब्वे ऑलरेडी क्वालिफाइड नहीं, श्रीलंका क्वालिफाइड है, इसमें से जो जीतेगा वो जाएगा सेमीफाइनल। सो आप ये सोचे कि 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली वेस्ट इंडीज बाहर है। लाला, हम जब इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि ज़्यादा जो है लीग की तरफ प्लेयर्स जा रहे हैं, वो डैमेज करता है मुल्क को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है जो लीग्स हैं, क्या वेस्ट इंडीज़ पे वो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया? सवेरा वेस्ट इंडीज़ का जो प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी पुराना प्रॉब्लम चलता हुआ है, और वो प्रॉब्लम जो था पॉलिटिक्स, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स वहाँ पे भी की जाती है, और जितने भी प्लेयर्स के साथ इंडिविजुअली गेल या किसी और के साथ भी बात होती है, गपशप लगती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को ही उड़ाने की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और आज जो उनकी क्रिकेट का हाल है, जो एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो ज्यादा पैसे मांगने चाहिए अपने बोर्ड से, वो क्यों नहीं मांगते ज्यादा पैसे? ये किसने कहा? गेल ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन पाकिस्तानी प्लेयर्स तो बहुत कम पैसे लेते हैं, ज्यादा पैसे लेने चाहिए। अच्छा, चलो खैर, उनका इशू भी पैसों का है, एक मुल्क भी एक मैं समझता हूँ, खैर, लेकिन काफी अरसे से उनकी ये प्रॉब्लम चलती आई जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुंच गई। एज अ इंडिविजुअल अगर देखे जाए, सारे बड़े तगड़े परफॉर्मर्स हैं,
डिफरेंट लीग्स के अंदर बड़ी डिमांड है, T20 के अंदर वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की बड़ी डिमांड है, लेकिन एज अ टीम एज अ यूनिट अभी तक वो जेल हो नहीं पाए, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं आया। थोड़ा बहुत डेरन सेमी की कप्तानी में मैं कह सकता हूँ कि वो टीम को जेल करके लेके चला, एज ए लीडर उसने काम किया है, लेकिन उनकी क्रिकेट को बहुत उनकी क्रिकेट जो है ना एज अ टीम उसके बाद जो है ना बिल्कुल सामने नहीं आई। और इस क्वार्टर क्वालिफाइंग राउंड के अंदर जो वेस्ट इंडीज की सिचुएशन थी, स्पेशली फील्डिंग, इतनी कोई गंदी फील्डिंग थी, इतनी कोई, अब आप फील्डिंग कैचेस छोड़ो के मौके के ऊपर तो फिर आप उम्मीद तो ना रखें कि आप जीतेंगे। और इमेजिन आप वेस्ट इंडीज के बारे में ये बात करेंगे, फील्डिंग, उनकी फील्डिंग जहां से फील्डिंग निकली है, वो क्या प्लेयर थे, क्या काली आंधी की मशहूर, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह हम बात करते हैं कि वो जो खौफ था उस टीम का, और वो मगर फिर अब मैं जब एसोसिएट टीम्स देखती हूँ, जिस तरह स्कॉटलैंड की हम बात करें, द वे दे आर परफॉर्मिंग, चांसेस बहुत ब्राइट है उनके कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। हमने शॉर्टर फॉर्मेट में तो देखा कि हमें PNG दिखी या नमीबिया दिखी, अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर फिर हम कहते हैं वो शॉर्टर फॉर्मेट है, गिवन डे पे कोई भी टीम किसी पे हावी हो सकती है। 50 ओवर्स खेलना इज अ सीरियस गेम, इट्स नॉट अ शॉर्टर फॉर्मेट। क्या बेहतर करना चाहिए अब ICC को एसोसिएट टीम्स के लिए कि उनको उनके लिए क्रिकेट और बढ़े? क्रिकेट इसी तरह ही बढ़ सकती है, जिस तरह सवेरे आपने स्कॉटलैंड की बात की है ना, तो स्कॉटलैंड के जितने भी प्लेयर्स हैं ये लीग या काउंटी क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं, उनकी क्रिकेट कंपेयर टू आयरलैंड अगर करें ना, वो आयरलैंड के जो लड़के हैं मेरे ख्याल में वो उनमें से 2 से 3 लड़के होंगे, मैं क्योंकि आयरलैंड की तरफ से खेला हुआ हूँ, तो वो हफ्ते के अंदर पूरा दिन जॉब करते हैं, एक ही दिन सारे एक साथ होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और मैच खेलते हैं। स्कॉटलैंड के अंदर ये क्रिकेट की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर हमारे लोकल एशियंस काफ़ी सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्लब्स चलते रहते हैं वहाँ पर, कंपेयर टू आयरलैंड डिफरेंट वो है। तो इस फॉर्मेट को ICC ने नो डाउट क्रेडिट देना चाहिए, एक अच्छा इवेंट रहा है ओवरऑल। साथ में ये है कि जिस फॉर्मेट का भी वर्ल्ड कप आ रहा हो और इसी तरह की क्वालिफाइंग सिचुएशन हो, तो एटलीस्ट उनके आपस के अंदर कोई ऐसी लीग या उनकी अपनी जो लोकल बोर्ड्स हैं उनको कोई इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले उनके प्लेयर्स अच्छा कॉन्फिडेंट फील करें। और ICC ऑब्वियसली बायलैटरल्स में बात नहीं करता, ICC बायलैटरल्स टाइप पे ज्यादा घुसता नहीं है, मगर क्या ऐसी कोई पॉलिसी ICC निकाल सकता है कि जो फुल मेंबर्स हैं उनको कम से कम 1 या 2 सीरीज पर ईयर एसोसिएट टीम के साथ रखनी चाहिए और खेलना चाहिए? बहुत अच्छा मशवरा ये तो आपने दे दिया, और मैं चाह रहा हूँ कि ICC के जो चेयरमैन साहब है, प्रेसिडेंट है, वो आपकी बात सुने जी। जितनी इंटेंसिटी थी, मतलब हमने लॉर्ड्स में मेरा ख्याल से कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा, लिटरली शायद मैं ये लफ्ज नहीं बोलना चाहती बट इतनी बदतमीजी होते हुए नहीं देखी कि MCC लॉन्ग रूम में आपके MCC मेंबर्स इस तरह बिहेव करें प्लेयर्स से, कि मतलब 3 मेंबर्स की तो पोस्टपोन सस्पेंड कर दी गई मेंबरशिप, इतना उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा, MCC ने जो है वो अपोलोजाइज किया इस बिहेवियर के ऊपर, इतना सीरियस लाला एशेज को लेते हैं? ICC बहुत बड़ी सीरीज है, और इससे भी बड़ी सीरीज अगर करानी है तो पाकिस्तान इंडिया की सीरीज करा दो इसी तरह की, उससे भी बड़ी हो जाएगी। तो खैर ये काफी अरसे से उनकी एक ट्रेडिशन चलती भी आई है, बहुत अरसे से, और उसको काफी सीरियस लेते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल जेलिसीज हैं उनके अंदर, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, तालियां मारते हैं, लेकिन वो अंदर से ठीक ठाक वो होते हैं जब हारती है उनकी टीम। तो यही सिचुएशन हमें लॉर्ड्स के मैच के अंदर भी नजर आई, काफी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, खासतौर पर विकेट कीपर का बेस्टो, बिल्कुल बेस्टो का जो हुआ इशू हुआ हम आपको दिखाते भी है लाला, और फिर जो है साथ साथ उससे रिलेटेड फिर सवाल भी है, वो बाद में भी हम आपसे पूछेंगे। इसकी इंटेंशन नहीं थी कि बंदा ना नीचे देख के रिलैक्स हो गया, हर कोई जाता है, हर प्लेयर की आदत है। हाँ, रूल ऑफ गेम क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों एम्पायर खड़े हुए, उन्होंने डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन हो गया, वो रूल ऑफ गेम यही कहता है। लेकिन जो स्प्रिट कोई रन के लिए नहीं जा रहा, और नॉर्मली प्लेयर्स करते हैं हर बॉल के बाद, करते हैं हर बॉल के बाद प्लेयर आगे जाता है, पार्टनर से बात करने जाते हैं, अपने प्लेयर से बात करने के लिए जाता है, लेकिन जो स्प्रिट ऑफ द गेम है वो डिमांड नहीं करती। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये जेंटलमैन क्रिकेट वाली दौर वाली क्रिकेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, और अब आपको रूल्स को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और जितना फियर्स मुकाबला हो रहा था, यहाँ शायद हम ये कहेंगे कि एलेक्स कैरी की प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ नोइंग द रूल्स,
कि उनके हाथ में बॉल आई एंड ही जस्ट उसने स्मार्ट क्रिकेट खेली है भाई, खेली है उसने, खेल खेल दिया, कर दिया। इससे पहले भी पास में अश्वन वगैरह का भी कुछ कुछ हुआ था, वो तो मनकट हुआ था, वो दूसरी, तो ये सारी चीजें अब हमें नजर आ रही है। तो ये जेंटलमैन क्रिकेट वाला दौर नहीं है, अब ये चीजें होंगी, अब प्लेयर्स को और ज्यादा जो है ना वो स्मार्ट क्रिकेट तेज होना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा और रूल्स को बहुत ज्यादा हिफ्स कर लेना पड़ेगा, हिफ्स करना पड़ेगा, बिल्कुल रूल्स क्या चल रहे हैं और क्या नहीं चल रहे हैं। बट यस, ये तो बिल्कुल है, और एशेज जितना रिग्रेस है, एक कैच भी हुआ उस, मगर वो ऑब्वियसली नॉट आउट उसको किया, वो कैच भी हम उसको आपको दिखा देते हैं, ये कैच आप स्क्रीन पे जो है वो इस वक्त देख सकते हैं। सवेरे ये देखें, ये कैच हो गया था, हाँ जो कैच हो गया था, लेकिन वो पूरा ग्राउंड पे बॉल को रब के, एक होता ना कि फिंगर्स बॉल के नीचे होती है और यूं करके अगर जाता तो समझ आ जाता, हाँ। पूरा बॉल के ऊपर गया है, बिल्कुल वो तो ऑब्वियसली नॉट आउट है। सो यस, क्योंकि थोड़ा सा ना आईसीसी का रूल थोड़ा सा ये वेग है कि जब तक बॉडी स्टेबल नहीं है और उस दौरान अगर ब्रान अगर बॉल टच हो गई है ग्राउंड पे, सो इट वुड बी नॉट आउट। हाँ बिल्कुल, स्टेबिलिटी आपको दिख ही नहीं रही है, नहीं नजर नहीं आई। तो हाँ, मगर बहुत चर्चे हुए, जाहिर सी बात है जो इंग्लैंड को फेवर कर रहा होगा वो इस तरफ होगा जो ऑस्ट्रेलिया को फेवर कर रहा होगा उसका। एंड देन हमने लॉन्ग रूम की तो ऑब्वियसली बात की कि एमसीसी के जो रेप्यूटेबल मेंबर्स हैं, जो टाई लगाकर आते हैं, जो ऐसे आते हैं कि एक मीटिंग में आ रहे हैं। अच्छा, मेंबर्स को भी उन्होंने वो कर दिया, तीन मेंबर्स की मेंबर स्पेंड कर दिया, बिकॉज दे वर कॉट ऑन कैमरा, काफी सीरियस हुआ, डूइंग सम रिग्रेस एक्शंस, सो वो इस वजह से जो है। तो यस, गाने शाने भी बज रहे थे, मैं सुन रहा था, बहुत सारी देख रहे थे, गाना बड़ा कुछ हो रहा था, बहुत सारी चीजें हुई जो लॉर्ड्स में हुआ। इनफैक्ट अब जो तीसरा टेस्ट मैच है हेडिंग्ली में, उसके लिए जो है बड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम, तीसरा टेस्ट हेडिंगली में, अच्छा, और उस बड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम, यॉर्कशायर ना, हाँ यॉर्कशायर में, और बड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया लाला। एक तो वहाँ इंग्लैंड में मुसलसल एहतजाज चल रहा है, उस एहतजाज की वजह से पहले टेस्ट मैच में भी आपने देखा था कि लोग भाग के आ गए थे फील्ड में, आ गए थे, ओके ठीक है। सो उस एहतजाज की वजह से भी उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट वो किया हुआ है, सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट की हुई है, एंड जो ये सब कुछ लॉर्ड्स में देखा गया वो अब हेडिंगली में ना हो उसकी वजह से वो किया गया। लाला, मैं ये सारी चीजें सोचती हूँ कि ये तो वहाँ हो रही है, हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती है तो कितना शोर मचता है इस बात का। तो ये देखें, अब शोर मतलब स्पेक्टेटर्स भाग कर आ गए, प्रोटेस्टर्स भाग कर जो है वो आ गए, एंड बेस्टो हैड टू पिक, यूं उठा के बेस्टो ने जो है वो बाहर लेकर गया एक प्रोटेस्टर को। तो ये हमारे नहीं हो सकते, हमारे तो पिंजरों के पीछे बंद होते हैं चारों तरफ पिंजरे लगे हुए होते हैं, उसके पीछे कौन कहां से आएगा, ऊपर से आएगा ये तो कूद जाएंगे। आप जरा आप एक दफा मौका तो दे लाला, मुझे वो जब हमारा नेशनल T20 होता था ना, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, लाला बैटिंग कर रहे होते थे और नेशनल स्टेडियम की छत पे, अभी तो छत फ्लैट नहीं है ना, अब तो वो कैनपीज टाइप की बन गई है, बट पहले फ्लैट होती थी छत, पुलिस वाले पीछे पीछे भाग रहे होते थे और फैंस जो है ना वो आगे आगे भाग रहे होते थे और छतें भरी भी होती थी। तो यस, ये टाइम भी था, बट अब हम मूव ऑन करते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट #AskLala। सो यस, AskLala की तरफ मूव ऑन करेंगे। शुरुआत करेंगे, आप लोगों के सवाल पूछेंगे और सवाल का जवाब लाला देंगे। सो यस, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नवनीत सिंह ने जो है वो लाला से जो सवाल पूछा है वो मैं सवाल आपको बताती चलूं। सो लाला ने जो है, लाला से उन्होंने पूछा #AskLala लिख के, सो मेक श्योर #AskLala लिखना है कि रूल्स ऑफ क्रिकेट और स्पिरिट ऑफ द गेम, विच वुड शाहिद आफरीदी चूज इन टेंस सिचुएशन ऑफ द मैच। क्या नाम है जिन्होंने पूछा? नवनीत सिंह जी, पाजी की हाल है, ठीक हो तुसी? अच्छा जी, ये देखें, अब जिस तरह पहले बात की है सवेरा की, अब वो जेंटलमैन गेम वाला रहा नहीं, तो अब यहाँ पे जो है ना वो रूल्स ऑफ गेम जो है वो इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हाँ वही वाली बात है। तो पास्ट में भी देखी गई है, तो मेरे ख्याल में जो एंड बॉटम लाइन है वो है कि गेम का रूल क्या कहता है आपको, एम्पायर्स उधर एंड डिसीजन होगी, क्योंकि बड़ा शोर मचता है मनकट करने पे भी, जब अश्विन ने मनकट किया था उस पे भी शोर मचा था, बिल्कुल। मतलब आप एक्चुअली देखें तो वो जो जो बैटर है जो दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है वो अगर जल्दी भाग रहा है तो वो भी तो समवेयर चीटिंग, बिल्कुल जल्दी भाग रहा है बॉल रिलीज होने से, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे ये रूल होगा, अगर सवेरा एक और रूल है जो कभी कभार होता है कि बॉल आप
खेलते हो वो गिर जाती उठा के आप दे देते हो, ये भी आउट है। अगर अपील कर दिए तो आउट है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता क्योंकि वो उसने उठाई रन के लिए नहीं भाग रहा, वो तो बॉल आपके लिए दे रहा, आपको इजी, आपके लिए इजी कर रहा है, उसके आउट उसके वो मैं समझता हूँ कि वो जो रूल ऑफ द गेम है उसमें से बाहर हो जाए तो बेहतर है यार। अब आईसीसी क्या, आईसीसी प्लीज। अच्छा जी, इरफान आफरीदी लाला आपसे पूछते हैं, लाला से पूछें क्या पाकिस्तान की टीम में अभी भी मोहम्मद आमिर की जरूरत है? अभी भी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि कहीं 25-30 लड़कों में ज़रूरत है, 25-30 लड़कों में तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि नए लड़के आ रहे हैं, नए पे फोकस किया जा रहा है। क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज इधर उधर लीग या डोमेस्टिक क्रिकेट अगर वो सीज़न पूरा खेलता है और ऐसी परफॉर्मेंस देखता है करता है एंड देन कहीं ऑप्शन आती है कि कहीं नहीं है कोई ऐसा प्लेयर ज़रूरत पड़ रही तो आमिर को ले सकते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं ना लाला, अभी रिसेंटली स्टेटमेंट वैसे एक आया है मोहम्मद आमिर का, आईपीएल की पॉसिबिलिटीज इज ओपनिंग अप फॉर मोहम्मद आमिर बिकॉज़ एक साल रह गया एंड ही विल बी अ ब्रिटिश नेशनल। अच्छा, ओके, उसके बाद जो है अल्लाह करे वो खेले क्रिकेट। आईपीएल की पॉसिबिलिटीज की उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा मैं जब वक्त आएगा तो वक्त पे देखूंगा कि क्या उस वक्त जब मैं हो जाऊंगा ब्रिटिश नेशनल तो पता चलेगा, बट इंग्लैंड से खेलने के लिए अकॉर्डिंग टू हिम वो इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो मेरे ख्याल से फैंस जो है जाहिर सी बात है वो अपने खिलाड़ियों को खेलता हुआ पाकिस्तान के साथ ही देखना चाहते हैं। खेले भाई क्रिकेट, खेले जहां भी वो क्रिकेट खेले, ऑब्वियसली क्रिकेटर क्रिकेट ही खेले, क्रिकेट में अच्छा लगता है। एआर जामी आपसे पूछते हैं लाला, एज अ फिनिशर क्या उमर अकमल को वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं, व्हाट इज योर ओपिनियन? उमर अकमल मेरा तो हमेशा से फेवरेट रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन जब से उसने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया तो मेरी सपोर्ट अभी उसके लिए जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है, जब तक उसकी फिटनेस अच्छी नहीं होती। फिटनेस भी अभी इशू है, मसला है, फिटनेस इशू है उसका। हाँ, उसका फिटनेस इशू है हकीकत में कि वो जिस तरफ जो डिमांड है ठीक है, जो जिस तरह बाकी लड़के हमारे सारे फिट हैं उस हिसाब से वो फिट नहीं है, इज नॉट फिट इनफ फॉर पाकिस्तान, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, और हारून आपसे पूछते हैं, शाहिद भाई योर फेवरेट कैच, ट्रेस कॉथिक, वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड स्कॉट स्टाइरस, ओके, एंड पीएसएल बाउंड्री लाइन। इसका जवाब, इसका जवाब एक ही देना पड़ेगा, जाहिर सी और वो जवाब ये है कि तीनों ही फेवरेट थे, तीनों ना बहुत तीनों ही बहुत मगर फिर भी लाला कोई मतलब ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पे थे, जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइम फ्रेम ऑफ योर करियर पे थे तो फिर सवेरे वो जो ट्रेस कॉथिक का था वो वहां से हम मैच जीते थे, जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड था वो ये था कि पूरी टीम एक बैक एक उठ गई थी और फिर फाइनल जीत के आ गए। लाला लास्ट मिनट जल्दी से ये सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, बिलाल मजहर आपसे पूछते हैं, आस्क लाला पाकिस्तान को आईएमएफ से जान छुड़ाने के लिए कौन से इकदाम करना चाहिए, एनी सजेशंस? ओ ये तो बहुत आसान सी बात है, ये जितने भी ये जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं इनके प्रोटोकॉल्स वगैरह जो भी इनको लवाजमात दिए जाते हैं वो सारे ख़त्म कर दें, हमें आईएमएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और थोड़ा सा बलूचिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर दें, बाहर की दुनिया हमसे इमदाद मांगेगी। बिल्कुल जी, सो ये एक आपके सामने सोल्यूशन जरूर आ गया लाला, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। गेम सेट मैच का वक्त ख़त्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Wonderful line. It's wonderful. Shot that is.